ABPS न्यूज। सरकार की अनदेखी व गाँव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गाँव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक आसापुर में स्थित पहाड़पुर गाँव पहुँचा। इस गाँव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर है। लगभग 1153 की आबादी व 864 वोटरों द्वारा अनिता देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 221 साधन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 175 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 13 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 5 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिपोर्ट कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 43 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं 9 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 1 सीसी टाइल्स रोड, 9 खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों का भी गांव में निर्माण कराया गया है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान गांव में पानी निकासी के लिए नाला, 20 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, 6 खडंजे, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, पशु चिकित्सालय, गौशाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं अनिता देवी बोल रही हूँ, ग्राम पहाड़पुर। मैंने अपने ग्राम पंचायत में 9 खरंजे बनवा दिए, 1 सीसी डरवा दिए और 9 सूर्य लाट बनवा दी और 50 शौचालय। ग्राम पंचायत में पैसा नहीं आ रहा है, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। ग्राम प्रधान पहाड़पुर अनीता देवी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और ग्राम पंचायत पहाड़पुर में जो पैसा आ गया उसका विकास कार्य करा दिया और विकास होने के लिए बहुत कार्य हैं, लेकिन पैसा ना होने के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे कि पंचायत घर की ज़रूरत है गांव में, बारात घर की ज़रूरत है, सीसी की ज़रूरत है। 15 रास्तों पर खड़ंजे हैं, सीसी नहीं है। कुछ रास्ते कच्चे हैं, 5-6 उन पर भी खड़ंजे होने हैं और बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। सफाई कर्मी की आवश्यकता है। शमशान घाट में जो कर्मशाला होती है उसकी आवश्यकता है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल की आवश्यकता है और स्कूल में फर्श मरम्मत की आवश्यकता है। आवासों की आवश्यकता है, 150 करीब शौचालय की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार द्वारा ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ ताकि गांव ठीक प्रकार सही हो जाए, स्वच्छ हो जाए और गांव के लोगों के लिए पूरा लाभ मिल सके।